हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 के बारे में। इस बाइक के अंदर तीन वेरिएंट्स आते हैं जो बुलेट 350 होता है उसके अंदर। एक तो इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एक किक स्टार्ट और एक आता है ये ओनेक्सी ब्लैक एंड ओनेक्सी सिल्वर। जो ये ओनेक्सी ब्लैक एंड ओनेक्सी सिल्वर ये सबसे नीचे वाला वेरिएंट है, फिर उससे ऊपर आता है किक स्टार्ट, देन उससे ऊपर आता है इलेक्ट्रिक स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बुलेट 350 जो ओनेक्सी ब्लैक है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं एज कम्पेयर टू जो इसका किक स्टार्ट वेरिएंट आता है उससे। जो एक दो चीज़ें का डिफरेंस है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बात करूंगा। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या कम्फर्ट मिलता है, कैसे क्या इंजन मिलता है और कैसे क्या लुक्स मिलती है आपको इस बाइक में। तो चलिए, तो गाइज ये है मेरा एक डेली ब्लॉगिंग चैनल। इस चैनल पर जाएं, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले लुक्स की बात कर लेते हैं कि आपको इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और जो जो चीज़ें डिफरेंट मिलती है किक स्टार्ट से यानी कि स्टैंडर्ड से, वो भी मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अलग आती है। तो सबसे पहले जो अलग आते हैं वो आते हैं इसके टायर्स। टायर्स तो बेसिकली सेम ही आएंगे 19 इंचेस के, बट जो रिम्स हैं किक स्टार्ट के अंदर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिलेंगे और ये ओनेक्सी ब्लैक के अंदर आपको ये ब्लैक कलर के अंदर मिलेंगे। बट जो ये स्पोक्स हैं ये आपको जिंक प्लेटेड ही मिलेंगे किक स्टार्ट के अंदर भी और इस बाइक के अंदर भी। दोनों बाइक के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगा और 19 इंचेस का टायर मिलेगा। इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, मतलब सिर्फ आपको फ्रंट टायर के अंदर ही ABS मिलेगा। रिफ्लेक्टर्स आपको दोनों बाइक के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। हेडलाइट जो है इसकी हेलोजन बल्ब के साथ आती है और जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं। बट डिफरेंट क्या होगा किक स्टार्ट में क्या होगा, वहाँ पे आपको ये सिल्वर फिनिश के अंदर मिलेंगे और ये ओनेक्सी ब्लैक के अंदर आपको ये ब्लैक कलर के अंदर दिए हुए हैं। ओवरऑल जैसे लुक्स की बात की जाए तो आपको देखने में जो इसके टायर्स हैं या फिर जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाकी अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइसें हो सकती हैं। अब इस वाले पार्ट में बात की जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको डिफरेंट मिलेगा। जो किक स्टार्ट आएगी यानी कि स्टैंडर्ड जो आएगी उसके अंदर ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, अपर पार्ट जो इंजन का ये वाला पार्ट है ये आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिलेगा, बट ओनेक्सी ब्लैक के अंदर आपको ये ब्लैक कलर के अंदर मिलेगा। बेसिकली जो ये इंजन है 346 cc का इंजन है, कहने को 350 cc है, जो कि प्रोड्यूस करते हैं 19.1 bhp एंड 28 Nm ऑफ टॉर्क। जो स्टैंडर्ड या फिर किक स्टार्ट के अंदर आते हैं वो भी सेम ही इंजन आता है। साइलेंसर में आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, दोनों बाइकों के अंदर सेम ही सिल्वर फिनिश के अंदर साइलेंसर मिलेगा। कैटलिटिक कन्वर्टर आपको BS6 के नॉम्स वगैरह, वो तो आजकल जो रॉयल इनफील्ड की सभी बाइक है सभी बाइकों के अंदर आने लगे। इनफैक्ट जो हीरो की बाइक है स्प्लेंडर है उसके अंदर भी आपको एक कैटलिटिक कन्वर्टर देखने को मिलेगा। आपको इस साइड में किक मिल जाएगी। जो इनका इलेक्ट्रिक स्टार्ट वेरियंट आता है उसमें आपको यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट की मतलब जो रहता है जो पार्ट रहता है सेल्फ स्टार्ट का वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बट जो किक स्टार्ट है और ओनेक्सी ब्लैक है इसके अंदर आपको सिर्फ किक ही अवेलेबल होगी। इस साइड में आपको बैटरी एंड जो टूल किट्स वगैरह वो आपको इस वाले पार्ट में मिल जाएंगी। तो ये सारे चेंजेस हो गए इसके इंजन में और इसके टायर में। अब बात आती है इसके टैंक की। तो टैंक के अंदर सिर्फ जो आपको डिफरेंट मिलेगा, जो रॉयल इनफील्ड की बैजिंग दी हुई है इसमें आपको स्टिकर टाइप की मिलेगी, बट जो किक स्टार्ट आएगा उसके अंदर आपको थोड़ी सी 3D टाइप की मिलेगी। जैसे लुक वाइज देखी जाए तो 1932 से जो डिज़ाइन था जो रॉयल इनफील्ड की बुलेट का डिज़ाइन था उसमें भी आपको यहाँ पर रॉयल इनफील्ड की बैजिंग थोड़ी 3D टाइप में मिलती थी। तो कंपनी ने क्या है उसको अपना आइकॉनिक डिज़ाइन बना लिया, वही सेम डिज़ाइन अभी भी आपको जो रॉयल इनफील्ड की बुलेट 350 आती है उसके ऊपर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, सिर्फ रॉयल इनफील्ड की जो बैजिंग आती है उस पे। जो इसका टैंक है वो 13.5 लीटर का आता है और जो 2.5 लीटर रहता है वो इसके अंदर रिजर्व में रहता है। बट जैसे पुरानी जो रॉयल इनफील्ड की बाइक आती थी उसमें आपका रिजर्व का भी ऑप्शन मिल जाता था, ऑन का भी ऑप्शन मिल जाता था, ऑफ का भी ऑप्शन मिल जाता था, बट कंपनी ने उसको अभी हटा दिया। सिर्फ आपको यहाँ पे वार्निंग लाइट मिलेगी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वहाँ पे। बाकी सीट के अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको सिंगल ही सीट मिलेगी, बट जो पिलियन के लिए सीट है वो थोड़ी सी आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। पीछे बैक स्पोर्ट या फिर जो पकड़ने के लिए ग्रैब्स भी आपको इस बाइक के अंदर अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसकी बैक प्रोफाइल में जो इसकी टेल लाइट है वो आपको हैलोजन बल्ब के साथ मिलती है और जो इसके टर्न इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको हैलोजन बल्ब के साथ ही मिलते हैं। रिफ्लेक्टर्स भी आपको अवेलेबल हो जाएगा और जो इसका पीछे वाला टायर है वो आपको सेम साइज का ही मिलेगा 19 इंचेस का। बट क्लासिक के अंदर क्या होता है आपका फ्रंट वाला 19 इंचेस एंड जो पीछे वाला आता है वो 18 इंचेस। मिट्टियोर के अंदर क्या है वहाँ पे आपको फ्रंट वाला 19 इंचेस एंड जो पीछे वाला है वो आपका 17 इंचेस आता है। पीछे की तरफ आपको कोई भी डिस्क ब्रेक अवेलेबल नहीं होता है, राइट साइड में आपका चैन ड्राइव और लेफ्ट साइड में इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट क्लासिक के अंदर जैसे राइट साइड में आपको चैन ड्राइव मिल जाएगी, क्लासिक के अंदर क्या है वहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS एंड ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है।
मतलब ड्यूअल चैनल ABS, मतलब आपको फ्रंट टायर में भी ABS और पीछे वाले टायर के अंदर भी आपको ABS मिल जाता है। तो अभी मैं आपको इस बाइक का कंफर्ट चेक करा देता हूँ। मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे पैर जो है फ्लोर को बिल्कुल ईजिली टच कर रहे हैं। इनफैक्ट जैसे 5-5 की हाइट तक का भी बंदा इस बाइक को राइड करेगा तो उसको राइड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जैसे थोड़ा सी कम हाइट है, जिसकी 5'3" मान लो हाइट है, तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत है इस बाइक राइड करने में आएगी। बाकी जो सीट की कुशनिंग है वो थोड़ी सी आपको टाइट मिलती है, और थोड़े से कंफर्ट वाइज जैसे देखा जाए तो आपको क्लासिक के अंदर ज्यादा कंफर्ट मिलते हैं। इसकी सीट के अंदर ये थोड़ी सी आपको टाइट सीट मिलेगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे आप इस बाइक को लॉन्ग राइड पे लेके जाओगे वहाँ पे आपके बम्स दुखेंगे, तो ऐसा भी आपको कुछ नहीं लगेगा। कंफर्टेबली आप इस बाइक को राइड कर पाओगे। अब इसके हैंडल बार पे कंट्रोल्स की बात की जाए तो लेफ्ट साइड में आपके इसके लाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स के मिल जाते हैं, हॉर्न का मिल जाता है। आपको इस बाइक के अंदर सिंगल ही हॉर्न मिलता है, जो क्लासिक आते हैं या फिर मिट्टी और आते हैं उनके अंदर भी आपको सिंगल ही हॉर्न मिलता है। आगे पास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। क्लच इसके अंदर आपको वेट मल्टीप्लेट ही क्लच मिलते हैं, स्लिपर क्लच इसके अंदर नहीं आती है। अब राइट साइड में आपको सिर्फ किल स्विच मिलता है, सेल्फ स्टार्ट का स्विच जो है वो आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट जो वेरियंट आता है उनके अंदर से आने लगेगा। जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपको एनालॉग के अंदर ही मिलता है, बिल्कुल बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और आपको सिर्फ ऑडोमीटर ही अवेलेबल होता है और कुछ अवेलेबल नहीं होता है। और यहाँ पे आपको बेसिक सी थोड़ी बहुत वार्निंग्स दिखाएगा सिर्फ इंजन की और फ्यूल की, एंड जो इसका ABS है उसकी, मतलब ABS वर्किंग है या फिर नहीं है। अब इस बाइक के अंदर एक सेफ्टी फीचर भी आता है, जैसे बाय द वे मान लो आपने बाइक स्टार्ट कर रखा है और जो साइड स्टैंड है वो एंगेज है, तो जैसे आप बाइक को गियर के अंदर डालोगे तो आपकी बाइक है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और एक सेफ्टी फीचर और भी आता है, जैसे आपकी बाय द वे मान लो बाइक लेट जाती है 75 डिग्री से जो एंगल इसका ज़्यादा हो जाता है, देन उसके बाद क्या होगा, पुरानी जो बुलेट आती थी उनके इंजन क्या होते थे, स्टार्ट रहते थे और जो टायर थे वो रोटेट करते रहते थे। बट जो ये वाली बाइक है, अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई, थोड़ा सा लेटने का एंगल हुआ इसका तो बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। तो गाइज, आपको रॉयल इनफील्ड की किसी बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस ओडीसी ऑटोमोबाइल को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका जो एड्रेस है वो है VPO मानेसर मेन बस स्टैंड के पास। बाकी जो इनका गूगल लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और जो इनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप इनको कॉल करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। तो गाइज, यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर एंड बाय बाय।